मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका के सदर रवां हफ्ते कनाडा का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान पनाह गुजीनों समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बाइडन जुमे को पार्लियामेंट से खिताब करने वाले 8वें अमरीकी सदर बनेंगे। कैनेडियन वजीर खारजा का इसराइल से अदिया में मनसूबा बंद इसलाहत खत्म करने का मुतालबा। जूली का मगरबी किनारे में तशद्दुद के हालिया इजाफे पर कनाडा की गहरी तशवीश का इजहार। तनाव को कम करने के लिए बामायनी इकदाम करने की ज़रूरत है। कनाडा के शहर टोरंटो में तारिकीन वतन की जानिब से रैली का इनेकाद। तारिकीन वतन का कहना था कि कैनेडियन हुकूमत हमें मुस्तकिल शहरियत देने के लिए इकदाम करे। मुस्तकिल शहरियत ना मिलने से मसाइल का सामना है। अमरीका के 200 से ज़ायद बैंकों के दिवालिया होने का खदशा। सीनियर अमरीकी हुकाम ने बहरान से निमटने के लिए अरबपति सरमायाकार वॉरेन बुफे से मशवरा मांग लिया है। माहरीन का कहना है कि हुकूमत को फौरी बैंकों को रकम फराहम करना होगी। हेडलाइंस आमने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. अमरीका के सदर रवां हफ्ते कनाडा का दौरा कर रहे हैं। माहिरीन ने अमरीकी सदर के दौरे को अहम करार दे दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका के सदर रवां हफ्ते कनाडा का दौरा कर रहे हैं। कनाडा और रियासत हाय मुतहदा दोनों के सफीरों ने अमरीकी सदर जो बाइडन के इस हफ्ते कनाडा के पहले बाज़ाब्ता तौर पर दौरा करने से पहले अहम मामलात पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की कोशिश की। उनके दौरे के दौरान हेटी रॉक्सिम रोड दिफाई अखराजात पर बातचीत मुतवक्के है, लेकिन अलग अलग इंटरव्यूज़ में अमेरिका में कनाडा के सफीर क्रिस्टन हिलमैन और कनाडा में अमेरिकी सफीर डेविड कोहन दोनों ने ताल्लुकात के बारे में मजीद वाज़ह नज़रिया पेश करने की कोशिश की। डेविड कोहन का कहना था कि बाइडन कनाडा को पसंद करते हैं, वो कनाडा की परवाह करते हैं और रियासत हाय मुतहदा को कनाडा की परवाह है। हिलमैन ने कहा कि बातचीत लामोहाला तशवीश के आलमी मसाइल की तरफ मोड़ देगी, लेकिन हम उस बात पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए ताकत के ज़राए कैसे हैं। मेरे ख्याल में इस दौरे का मौजू यही होगा कि हम एक दूसरे को मजबूत और बेहतर बना रहे हैं। बाइडन ने फरवरी 2021 में कनाडा का वर्चुअल दौरा किया था।
ट्रूडो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड वबाई अमराज की वजह से बात की। बाइडन जुमे को पार्लियामेंट से खिताब करने वाले 8वें अमरीकी सदर बनेंगे। एक ऐसा मामला जहां हिलमैन ने कुछ तनाव को तस्लीम किया था वो नकल मकानी का इलाका था, जो रक्सम रोड क्यों जैसी जगहों पर बेकायदा क्रॉसिंग में इजाफे के साथ एक बार फिर एक बड़ी तशवीश बन गया है। दरी असना रियासत हाय मुतहदा को मैक्सिको के साथ अपनी जुनूबी सरहद पर सफर के बारे में अपने जारी खदशात हैं। हिलमैन का कहना था कि ये बहुत अहम बहरान है और ये हमारे लिए रॉक्सहम रोड के साथ कनाडा में भी अहम तनासब का बहरान है, लेकिन सफीर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अमरीका कनाडा के खदशात को संजीदगी से लेगा। कनाडा के वजीर खारजा मिलानी जूली 2 माह के बड़े मुजाहरों के बाद इसराइल पर अदलिया में मनसूबा बंद इसलाहात को ख़त्म करने पर जोर दे रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जूली 2 माह के बड़े मुजाहरों के बाद इसराइल पर अदलिया में मनसूबा बंद इसलाहात को ख़त्म करने पर जोर दे रही हैं। मिलानी जूली ने अपने इसराइली हम मनसब एरी कोहन से फ़ोन पर बात की। ऑटावा के ऑफिशियल ने उनकी गुफ्तगू को पढ़ा कि जूली ने कनाडा की जमहूरियत कानून की हुक्मरानी और उन इदारों की हिमायत पर जोर दिया। इस गुफ्तगू से वाकिफ ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक जरिए ने कहा कि जूली ने खास तौर पर नोट किया कि कनाडा इसराइल की अदालती इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए है। इसने ये भी बताया कि कनाडा मकालमे और इतफाक राय को तब्दीली में अहम टूल्स के तौर पर देखता है, जिसे लोगों की हिमायत हासिल है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब तक इन समझौतों को मुस्तरद कर दिया है, जिसका मकसद मुल्क की पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कलअदम करने की इजाज़त देकर मुल्क के कानूनी निज़ाम को तब्दील करने के अपने मंसूबों पर तातुल को हल करना था। मुजवजा तब्दीली जिस पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी तनकीद की है, नेतन्याहू के पार्लिमानी इत्तेहाद के हाथ में ताकत मुर्तकिस कर देगा। उनका कहना है कि वो गैर मुंतखब जजेस की हद से ज्यादा रसाई के दावे का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। मुल्क के फिगर हेड सदर आइजक हर्जोग ने खबरदार किया है कि इसराइल एक खाई के छूने के फासले के अंदर है और खाना जंगी मुमकिन है। और इसराइल के साबिक वजीर आजम एहोद ऑलमर्ट ने जुमेरात को आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो नेतन्याहू से दूर हैं। कैनेडियन वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि जूली ने यकतरफा इकदाम जो अमन की कोशिशों को खतरे में डालते हैं पर भी जोर दिया, जैसे कि इसराइल की जानब से बस्तियों की तोसी जो बैन अल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी है। रीड आउट का कहना है कि जूली ने इसराइल और मगरबी किनारे में तशद्दुद के हालिया इजाफे पर कनाडा की गहरी तशवीश का इजहार किया और सुकून बहाल करने और तनाव को कम करने के लिए बामायनी इकदामात करने की जरूरत पर जोर दिया। कई दहाइयों से कनाडा 2 रियासती हल की वकालत करता रहा है, जिसमें इसराइल के साथ फलस्तीनी रियासत का क़याम देखा जाएगा। गुज़िश्ता मौसम बहार से दाएं बाजू के इसराइली मकबूजा इलाके में बस्तियों की तौसी जारी रखे हुए हैं, जबकि फलस्तीनियों पर छापे मार रहे हैं। इस माह के शुरू में फलस्तीनी हामी कारकुनों ने 3 कैनेडियन सेनेटर्स को इसराइल के दौरे के दौरान एक दाएं बाजू के सियासतदान को कनाडा मधु करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर अमीर ओहाना ने मीडिया इंटरव्यूज में ये दावा करके तनाजा खड़ा कर दिया है कि मुसलमान सकाफती कत्ल का शिकार है। कनाडा के शहर टोरंटो में तारिकीन वतन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में तारिकीन वतन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। सैकड़ों लोगों ने कनाडा की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर दस्तावेजी लोगों, तारिकीन वतन, कारकुनों, तलबा, खानदानों और पनाह गुजीनों की मदद के लिए मजीद इकदाम करें। क्रिस्टी पिट्स में निकाली गई रैली नस्ल परस्ती के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किद की गई थी और इसका एहतमाम माइग्रेंट वर्कर्स अलायंस और FCG रिफ्यूजी सेंटर ने किया था। वैंकोवर, मॉन्ट्रियल और सिडबरी में भी ऐसी ही रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसा आजर तलाश करना मुश्किल है जो उनकी गैर दस्तावेजी हैसियत की वजह से उसे मुलाजमत पर रखे। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि हमारा इस्तेहसाल किया गया क्योंकि हमें एक शख्स के तौर पर अपने दिफा का हक नहीं है। वुकला का कहना है कि कनाडा की वफाकी हुकूमत एक गैर महदूद रेगुलाइजेशन प्रोग्राम मुतारिफ कराए जो मुस्तकिल रिहायशी का दर्जा देता है, ये कहते हुए कि इससे तारिकीन वतन और पनाह गुजीनों को अपने आप को बदसलूकी से बचाने के लिए औजार मिल सकते हैं। एक मुनसिफाना मुआशरा वो होता है जहाँ हर एक को मसावी हुकूक हासिल होते हैं और उसके लिए वाहिद रास्ता ये है कि हर एक को मसावी हैसियत हासिल हो और ये मुकम्मल और मुस्तकिल इमिग्रेशन की हैसियत है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब आजर हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो या हमारी उजरत चोरी कर रहे हो तो हम सब बोलने की सलाहियत के मुस्तहिक हैं। हम सब इस काबिलियत के मुस्तहिक हैं कि हम मुल्क बदरी के खौफ या अपने खानदानों से अलग हो जाने के खौफ के बगैर
किसी बैंक जाने या किसी रेस्तरां में खाना हासिल करने के काबिल हों। मुस्तकिल रिहायशी हैसियत ऐसा करने का वाहिद मौजूदा तरीका कार है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक 2010 की दहाई में तारकीन वतन कारकुनों ने कुल लेबर फोर्स में 84% इजाफा किया, जिनमें से अक्सर कनाडा में पैदा होने वाले कम हुनरमंद मुलाजमतों में कमी को पूरा करते हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में बैंकों पर शदीद दबाव के बाइस अमरीका के 200 से ज़ायद बैंकों के दिवालिया होने का खदशा पैदा होने लगा। माहरीन मौशियात ने अमरीकी हुकूमत को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती निज़ाम में बैंकों पर शदीद दबाव के बाइस अमरीका के 200 से ज़ायद बैंकों के दिवालिया होने का खदशा पैदा होने लगा। माहिरीन मौशियात ने अमरीकी हुकूमत को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ दे दी। सीनियर अमरीकी हुकाम ने मुल्क में आए बैंकिंग सेक्टर के बहरान से निमटने के लिए तजर्बाकार अरबपति सरमायाकार वॉरेन बफे से मशवरा मांग लिया है। नामवर अमरीकी जामियात से वाबस्ता माहिरीन इक्तिसादियात ने अपनी तहकीक में खदशा जाहिर किया है कि 200 के करीब बैंक खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके असासा जात की कदर मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे की वजह से कम या ख़त्म हो गई है। अमरीकी माहिरीन मौशियात ने अमरीकी बैंकिंग बहरान के खदशे का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में 30% कर्जों का हजम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक साल 2008 में दिवालिया होने वाले बैंक की तर्ज की सूरत हाल एक बार फिर जन्म ले रही है, इसलिए हुकूमत को फौरी बैंकों को रकम फराहम करना होगी। माहिरीन मौशियात का मजीद कहना है कि अमरीका के दो बड़े बैंक दिवालिया होने के बाद आलमी सतह पर अमरीकी बैंकों को ज्यादा मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सदर बाइडन के इंतजामिया के जराए के हवाले से बताया गया है कि वॉरेन बफे से राबता करके दलदल से बाहर निकलने का मशवरा मांगा गया है। वॉरेन बफे दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकार हैं और उनकी दौलत का तखमीना 101.6 अरब डॉलर्स है। वॉरेन बफे और सीनियर अमरीकी अहदेदारों के दरमियान ये मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते हुई, जिसमें तवज्जो वॉरेन बफे की बैंकिंग सेक्टर में सरमायाकारी पर मरकूज रखी गई और साथ ही इस शोबे की नाजुक सूरत हाल पर उनसे मशवरा भी तलब किया गया। याद रहे कि अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों ने वॉरेन बफे से राबता सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट बैंक और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने के बाद किया है। इस वाकये ने अमरीका में बैंकिंग सेक्टर को झिंझोड़ कर रख दिया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।